नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल बीवीएम माइक्रो के साथ कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, एक्सेल फॉर्मूला में एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बारे में आपके साथ हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा नंबर नोट कर लें। कभी भी किसी तरह के एक्सेल की प्रॉब्लम हो या कंप्लीट एक्सेल सीखना हो मेरे साथ ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव, या फिर आपको हमारी तीन रहे परचेज करनी हो तो हमारी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं, या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे एक डेटा है। इस डेटा में हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कई बार रिपीटेड हैं। आप देखिए यहाँ पे ये नंबर्स कई बार रिपीटेड है। मुझे इसमें से काउंट करना है कि भाई यूनिक नंबर मतलब हेड काउंट क्या है, मतलब कि अगर हम इसको मैनुअल करें तो कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर पड़ेंगे और डेटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे और ये रहा हमारा यूनिक। मतलब कि अगर 21 दो बार आया है तो एक बार ही काउंट करें, अगर 17 सात बार आया है तो एक बार ही काउंट करें। तो मुझे इसका काउंट जो कि 14 है वो निकालना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं सम। सम के साथ देते हैं इफ, और इफ में हम देते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी में हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वापस जो हमारा बाइनरी एरे होता है उसको भी वही कर लेते हैं, दोनों को सेम दे देते हैं। और इसका रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे 1 आया, तो रिजल्ट आपके सामने 14। ये भी आपका 14 है, ये आपका 14 है। तो आखिर कैसे हुआ? ये तो हमने फॉर्मल लगा दिया कि सम ई फ्रीक्वेंसी ए टू से 31 दे दिया, ए टू से 31 दे दिया, ग्रेटर देन 0 एरर कॉमा 1 कर दिया। देखिए आखिर प्रोसेस कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, इसको समझने के लिए हम जाएंगे फॉर्मूला बार में और करेंगे एवलेट फॉर्मूला। इस एवलेट फॉर्मूला में आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे करते हैं। देखिए 144 दिख रहा है आपको। तो फ्रीक्वेंसी ने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी निकाला और देखिए ये क्या है हमारा 21 वन आ गया, 17 चार बार है, 1 चार बार है और 14 तीन बार है और फिर 9 तीन बार है और दूसरा 9 देखिए 0 हो गया। दूसरा 9 यहां पे 0 हो गया। तो जैसे ही नंबर्स फर्स्ट बार मिलेंगे तो उसका काउंट दिखा देगा कि हाँ चार बार तीन बार दो हजार काउंट इफ की तरह, पर जैसे वो नंबर दूसरा बार रिपीट होगा वो क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा। तो इफ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कौन सा जीरो से ज्यादा है। जो जीरो से ज्यादा है उस पे वो वन फिट कर दे रहा है, जो जीरो से कम है वो फॉल्स है। सम फॉल्स को कंसीडर नहीं करता, वन को सम करके बताता है कि टोटल नंबर ऑफ 14 है। तो ये हमारा था फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी पेन ड्राइव परचेज करनी है, जी हाँ पेन ड्राइव जो कि अनप्रोटेक्टेड है, कोई प्रोटेक्शन इसमें नहीं लगी है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट है, इसको मोबाइल फोन वगैरह हर चीज में इसको कॉपी करके आप देख सकते हैं, पीवीसी सब में देख सकते हैं। तो ऐसे पेन ड्राइव को परचेज करने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए और वहां से परचेज कीजिए। 3 से 4 दिन में आपको उसकी बाय स्पीड पोस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।